हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिटिक्स एनिमे। आज हम करने वाले बुरुटो एपिसोड नंबर सेकंड एक्सप्लेनेशन। चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो दोस्तों, पहले की अकेडमीज में बच्चों को सिर्फ नेंजुत्सु या ताइजुत्सु सिखाया जाता था, पर अभी बच्चों को इसके अलावा भी बहुत सिखाया जाता है। तो हमारा बुरुटो भी यहाँ पे सीखने आता है। तो सिकाड़ाई उससे पहले से ही कह देता है कि ज्यादा उछलना मत अंदर जाने पर, तो फिर भी वो सुनता नहीं है और अंदर जाने के बाद कहता है, हे दोस्तों, मैं हूँ बुरुटो ओजुमाकी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर वो कहता है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, बोलो डेंकी। तो डेंकी कहता है हाँ अच्छे लग रहे हो। तो बुरुटो उससे पूछता है, मैं कहाँ पे बैठूँ? डेंकी कहता है, कहीं पर भी बैठ लो। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, और बाद में वो अपने बेंच पर सो जाता है और कहता है, यहाँ पे तो भी अच्छा लग रहा है क्योंकि घर पे मेरी मम्मी उससे और भी होमवर्क करवाती है। बुरुटो अपनी बुक लाना भूल जाता है और वो सिकाड़ाई से अपनी बुक मांगता है, पर सिकाड़ाई देने से मना करता है, तो जबरदस्ती करता है। फिर ये तीन लड़कियाँ बुरुटो को कहती है कि ऐसा क्यों है, वो अपने पापा जैसा नहीं है, उसके पापा कितने अच्छे है, मतलब सेवंथ का गे। फिर नीचे एक बंदा आता है जिसका नाम इनोजिन होता है और वो कहता है, हे बुरुटो, तुम अपने पापा के नाम पर उछलना बंद करो। तो डेंकी उससे कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये इनोजिन कहता है, हाँ ऐसा ही कुछ है। फिर बाद में सिकाड़ाई कहता है, ऐसा क्या कर रहे हो? फिर बुरुटो कहता है कि हाय, कैसे हाल चाल चल रहा है। फिर डेंकी पूछता है कि तुम एक दूसरे को जानते हो? तो सिकाड़ाई कहता है, हमारे पेरेंट्स फ्रेंड्स है। और फिर बुरुटो से हाथ मिलाता है, पर ये हाथ मिलाने से मना करता है। तभी हम देखते हैं कि ये इनोजिन पीछे देखता है, तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं और कहते हैं, चलो बाहर, हमें अपने तुम्हारे ट्रेनिंग लेनी होगी। तो बुरुटो का चांस आता है और बुरुटो अपनी खामियां और खूबियां बताता है, सबकी टेस्ट हो जाती है। और फिर ये सन से कहते हैं कि सबकी टेस्ट हो गई है, चलो अभी। तो फिर हम देखते हैं कि सब बच्चों की टेस्ट हो गई होती है और सब वहाँ पे खड़े होते हैं, और बुरुटो का सेकंड नंबर आता है। जो डेंकी होता है वो अपने लैपटॉप में बुरुटो को बताता है। बुरुटो कहता है, फर्स्ट कौन आया होगा? फिर बाद में सिकाड़ाई, डेंकी और बुरुटो अपने क्लास में जाते हैं और कहते हैं कि हाय सबको, पर कोई बुरुटो की बात नहीं सुनता और चले जाता है। फिर बुरुटो कहता है, अरे यार, हम तीन ही अकेले क्लास में। पर हम देखते हैं पीछे कोई बेटा होता है जो बुरुटो को कहता है कि यहाँ से चले जाओ, अभी मैं क्लास में हूँ। तो फिर बुरुटो कहता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारी अकेले की क्लास नहीं है। तो इसे गुस्सा आता है और ये कहता है कि तुमने क्या कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर वो बुरुटो को पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि पीछे से बाकी क्लास के बच्चे भी आ जाते हैं और वो देखते रहते हैं। फिर वो लड़का बुरुटो को दूर जाकर फेंक देता है। वो इस क्लास का इसलिए होता है क्योंकि वो एग्जाम्स में तीन बार फेल हो चुका होता है। और फिर हम देखते हैं कि डेंकी बुरुटो की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है, पर ये उसका भी पकड़कर मारने लगता है। तभी बुरुटो भाग के आता है और उसके हाथ पर किक मारता है और कहता है कि इतना ही गुरूर है तो चलो एक मैच खेल ले। फिर सब मैच के खेलने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पे ये दो टीचर्स बात करते रहते हैं और शिनो सेंसे कहते हैं कि मैं क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाऊंगा। और फिर बाद में वो चिल्लाते हैं और कहते हैं कि यहाँ क्लास में तो एक भी बच्चा नहीं है, वो सब कहाँ पे चले गए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे बच्चे स्टेडियम में इकट्ठा हो जाते हैं और ये लड़का सामने होता है और बुरुटो ये देख कर हैरान होता है क्योंकि ये स्टेडियम में वो पहली बार आया हुआ होता है। और फिर लड़का कहता है, चलो बुरुटो, देखते तुम में कितना दम है। फिर बुरुटो और इस लड़के की फाइट होती है। ये फाइट बहुत ज़बरदस्त होती है, पर पहले ही बार बुरुटो दूर जाकर गिरता है। फिर हम देखते हैं कि ये लड़का बुरुटो को हमला करता है और बुरुटो शैडो क्लोन बना लेता है। यहाँ पे ऊपर से बुरुटो के दोस्त उसको चीयर करते रहते हैं और ये लड़का बुरुटो को मारते रहता है। बुरुटो लड़ते लड़ते थक जाता है और लड़का कहता है कि क्या बुरुटो तुम में इतनी ताकत है? फिर बुरुटो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि कैसे जीतते हैं। फिर वो भागता है और उस पर और हमले करता है, पर वो लड़का हर बार डॉच कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि ये लड़का और बुरुटो बहुत तगड़ी फाइट करते हैं। ये लड़का बुरुटो को मारने लगता है और बुरुटो उसका हाथ पकड़ता है
पर ये लड़के में बहुत ताकत होती है, वो बुड्ढे को दूर जाकर फेंक देता है। फिर हम देखते कि ये तीनों यहाँ पे देखते तो ये लड़का कहाँ पे, और बाद में लड़का ऊपर होता है और बुड्ढे को नीचे से हमला करता है, पर बुड्ढे बच जाता है। बाद में हम देखते बुड्ढे को गुस्सा आता है और बुड्ढे बहुत जोर से हवा में उठकर उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा मार देता है और वो लड़का नीचे जा गिरता है। फिर उस लड़के को गुस्सा आता है और वो अपनी लकड़ी उठाता है और लकड़ी को उन पत्थरों में लगाकर पता नहीं क्या करता है, उससे वो लकड़ी पर वो पत्थर सारे चिपक जाते हैं और वो लड़का कहता है अभी तुम गए बेटा बुरुटो। और फिर हम देखते हैं ऊपर से पंछी आता है और उस लड़के का डंडा लेकर चला जाता है, वो डंडा बिल्कुल हॉर के हथौड़े जैसा है। फिर यहाँ पे इनोजेन कहती है कि चीटिंग मत करो, समझे लड़के तुमने हथियार इस्तेमाल करने का नहीं बोला था। तो ऐसे करके बुरुटो ये मैच जीत जाता है और वापस शिनोसेन से आते हैं और कहते हैं कि मैं हूँ बुरुटो जुमाकी, सबसे ताकतवर लड़का। फिर हम देखते हैं कि सब बच्चे क्लास में होते हैं और वो मैच जीतने के बाद बुरुटो सब बच्चों का अटेंशन ले लेता है और सब उससे मिलते हैं, उसको हाय कहते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। ये डेंकी को भी बहुत अच्छा लगता है और सिकाड़े कहता है अच्छी बात है। फिर ये दो लड़के कहते हैं कि ये क्या बुरुटो से सब बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे इनोजिन आता है और सबको कहता है अभी जब बुरुटो जीत गया तो उसके बारे में बात क्यों कर रहे हो, जब बुरुटो खतरे में था तब सिर्फ डेंकी ने उसको मदद की, क्या तुम उसके दोस्त नहीं हो, हाँ उसको बजाने क्यों नहीं आए, तुम सच में अनकूल हो समझे। फिर वो बच्चे नाराज होते हैं और फिर हम देखते हैं वो लड़का क्लास में आता है, उसका सारा गुरूर टूट जाता है और वो अच्छा बन जाता है और फिर हमेशा की जैसी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस आज का एपिसोड यही खत्म होता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो और आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो कमेंट मार दो और लाइक भी कर दो। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून्ड विद क्रिटिक्स एनिमे।